वो नेता जो बचपन से ही भगत सिंह के विचारों से प्रभावित रहा है, वो नेता जो राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट को अपना आदर्श मानता है, वो नेता जो युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान रखता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लाडनू से वर्तमान विधायक और विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश भाकर की। मुकेश भाकर का जन्म 20 नवंबर 1988 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। मुकेश भाकर के गांव का नाम खारिया है, जो लाडनू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुकेश भाकर का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता सुरजाराम भाकर भारतीय सेना में सूबेदार थे। मुकेश भाकर एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। मुकेश भाकर के भाई का नाम दिनेश भाकर है। मुकेश भाकर ने सीकर जिले के लोसल की शेखावटी स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद साल 2006 में मुकेश भाकर ने उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। यहीं से ही मुकेश भाकर ने छात्र राजनीति में शुरुआत की थी। मुकेश भाकर ने शुरुआत में NSUI के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करना शुरू किया। मुकेश भाकर ने BA के बाद MA की पढ़ाई भी राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरू की। मुकेश भाकर यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच काफी चर्चित चेहरा थे। वो गांव से आने वाले हर छात्र की सहायता करते थे। साल 2010 में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश की। उन्होंने NSUI से टिकट की मांग की थी, लेकिन एक सामान्य परिवार से लड़के को राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पार्टी से टिकट नहीं मिली। मुकेश भाकर ने अपने साथी छात्रों के समर्थन से यूनिवर्सिटी चुनाव में निर्दलीय ही ताल ठोक दी और वो NSUI से बागी बन गए। इस चुनाव में NSUI के वोट बढ़ गए, जिसके कारण ABVP के मनीष यादव इस चुनाव में जीत गए। हालांकि मुकेश भाकर इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि NSUI उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा। मुकेश भाकर ने अगले साल 2011 में बिना किसी पार्टी के समर्थन से प्रभात चौधरी को राजस्थान विश्वविद्यालय से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा और इस चुनाव में मुकेश भाकर किंग मेकर बनकर उभरे। मुकेश भाकर ने निर्दलीय प्रभात चौधरी को अपने दम पर यह चुनाव जिता दिया, जिसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में मुकेश भाकर का दबदबा बन गया और मुकेश भाकर को किंग मेकर भी कहा जाने लगा। मुकेश भाकर का राजस्थान विश्वविद्यालय में साल 2012 में भी प्रभाव रहा। इसके बाद मुकेश भाकर ने फिर से NSUI की सदस्यता ले ली। साल 2013 में मुकेश भाकर ने राजस्थान NSUI के प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और वो राजस्थान NSUI के प्रदेशाध्यक्ष भी बन गए। मुकेश भाकर को NSUI के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए साल 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI ने परचम लहराया। साल 2013 से लेकर साल 2015 तक मुकेश भाकर NSUI के प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे राजस्थान में NSUI को मजबूत किया। इस बीच हुए छात्र संघ चुनाव में पूरे राजस्थान में NSUI को अच्छी स्थिति में बनाए रखा। साल 2015 में मुकेश भाकर को NSUI का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया। मुकेश भाकर छात्र राजनीति के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र लांडनू में भी काफी सक्रिय हो गए और राजस्थान कांग्रेस के साथ मिलकर भी मुकेश भाकर काम करने लग गए। मुकेश भाकर राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट के भी काफी करीबी हैं। जब सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय से मुकेश भाकर अपने विधानसभा क्षेत्र लांडनू से विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करने लग गए थे। साल 2017 में मुकेश भाकर राजस्थान युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी चुने गए। साल 2017 और 2018 में मुकेश भाकर प्रदेश राजनीति के अलावा ज्यादातर अपना समय अपने विधानसभा क्षेत्र में बिताते थे। साल 2018 विधानसभा चुनाव में मुकेश भाकर को लाडनू विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया। मुकेश भाकर युवा नेता के रूप में चर्चित थे। इस विधानसभा चुनाव में मुकेश भाकर पहली बार में ही विधायक का चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। राजस्थान विधानसभा में मुकेश भाकर की गिनती युवा विधायकों में होती है। साल 2020 में मुकेश भाकर ने राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। काफी लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद मुकेश भाकर राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचित हुए। हालांकि मुकेश भाकर इस पद पर थोड़े ही समय के लिए रहे। दरअसल राजस्थान के सियासी संकट के दौरान लांडनू विधायक मुकेश भाकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ थे। इस संकट के दौरान मुकेश भाकर ने खुलकर सचिन पायलट का समर्थन किया था, जिसके कारण लांडनू विधायक मुकेश भाकर को राजस्थान यूथ कांग्रेस के पद से हटा दिया गया। साल 2023 में मुकेश भाकर को राजस्थान कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मुकेश भाकर साल 2020 से राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मुकेश भाकर सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय और चर्चित हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लांडू विधायक मुकेश भाकर के लाखों फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर राजस्थान के ज्वलनशील मुद्दों को भी सोशल मीडिया के जरिए उठाते हुए देखे जाते हैं।